हिमाचल में कांग्रेसी नेता लगातार प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटे हैं। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश सरकार सत्ता में आई है तब से भ्रष्टाचार के मामले बढ़ गए हैं। विधायक ने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जाँच के नाम पर प्रदेश सरकार महज लीपापोती ही कर रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जांच पर सरकार महज लीपापोती ही कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं, उन्हें ये भरोसा नहीं है कि इस मामले की सही जाँच हो पाएगी। उन्होंने कहा कि विजिलेंस मुख्यमंत्री के अधीन ही कार्य करती है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है ताकि जांच प्रभावित ना हो। विधायक का कहना है कि जब से भाजपा सरकार प्रदेश में सत्ता में आई है घोटालों की सीरीज चालू हो गई है। एक के बाद एक लगातार कई घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और सदन में भी एक मजबूत विपक्ष होने के नाते कांग्रेस ने मजबूती से जनता की आवाज को रखा है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उस समय जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी करप्शन को लेकर। आज आप देखिए कि ढाई साल में इस सरकार के शासन में एक के बाद एक सीरीज जो है वो भ्रष्टाचार की जो है वो निकली है। और सबसे पहले आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक विभाग में जो है दवाइयों की खरीद फरोख्त को लेकर जो है वो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। एक दो लोग सस्पेंड हुए, उस मामले का आज तक पता नहीं लगा कि क्या हुआ, कौन लोग सलाखों के पीछे गए, किनको सजा हुई। इसका मतलब यह है कि यह सरकार जो है भ्रष्टाचार को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। उसके बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश में फर्जी डिग्रियों के मामले, पुलिस भर्ती को लेकर, पटवारियों की भर्ती को लेकर, हिमुड्डा में जमीन की खरीद को लेकर, ये सारे मामले जो है दबाने की सरकार ने कोशिश करी है। और आप तो कोविड-19 में जहाँ पूरी दुनिया में पूरे देश जो है वो महामारी से जूझ रहे हैं, महामारी से लोग लड़ रहे हैं, और इस काल में भी अगर ऐसे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, अभी जो पीपी किटों को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर, मास्क को लेकर जो है ये भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, डायरेक्टर जो है उसको बिजनेस ने हिरासत में लिया। उसके बाद आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने त्याग पत्र दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार कोई नहीं हो रहा है, सरकार साफ सुथरी है, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को रिजाइन देने की जरूरत क्या पड़ गई। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार सरकार में हो रहा है, जो है रिजाइन जो है संगठन के लोग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस मामले को जो मामला सामने आया है इसको दबाने का पूरा पूरा प्रयास सरकार कर रही है। विजिलेंस पे कांग्रेस पार्टी को कोई विश्वास नहीं है और विजिलेंस इसकी जो है वो जांच कर रही है। हमने डिमांड करी है कि हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जो है वो जांच करवाई जाए, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।